मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करें यह संदेश उन लोगों के लिए है जो जीवन का सही अर्थ ढूंढ रहे हैं उनके मन में अगर जीवन को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि इस संदेश को कृपया ध्यान से देखिए चाहे आप मसीही हों चाहे आप किसी अन्य धर्म से योहन्ना पांच चौबीस में यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है यीशु का यह कथन कि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है अर्थात अनंत जीवन में यह कोई मामूली कथन नहीं है बल्कि इसमें मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी हुई है यीशु का ये कथन आज के दार्शनिकों गुरुओं और मोटिवेशनल स्पीकर्स से बिल्कुल अलग है जहां आज संसार के सभी गुरु लोगों को यहां पृथ्वी के जीवन का उद्देश्य समझा रहे हैं वहीं यीशु बिल्कुल विपरीत बात समझा रहा है और कह रहा है कि जब तक आपका जीवन अनंत काल के जीवन से नहीं जुड़ता तब तक आप में जीवन ही नहीं है क्योंकि आप तो केवल अपनी मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं भले आज आप किसी भी काम में व्यस्त क्यों ना हो अगर आपने अपने पृथ्वी के जीवन के लिए बड़े बड़े लक्ष्य साध रखे हैं तो वे सब निरर्थक हैं मूर्खता है क्योंकि आप तो किसी भी क्षण मर सकते हैं तो फिर उन लक्ष्यों का क्या होगा जिसके पीछे आप अभी भाग रहे हैं आज संसार में लोग जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं द पर्पस ऑफ लाइफ तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बहुत से गुरु हैं देश में विदेश में वो उन्हें तरह तरह की बातें बताते रहते हैं जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और गुरुज होते हैं इन ये बहुत निपुण होते हैं कुछ भी समझाने में बहुत अच्छे वक्ता होते हैं गुड स्पीकर्स तो उनमें से कुछ आपको बताएंगे कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चलिए लक्ष्य से कभी ना भटकें लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें तो दूसरे गुरु सिखाएंगे लक्ष्य की परवाह मत कीजिए क्योंकि अगर आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो उसकी जो प्रक्रिया है वहां पहुंचने तक की उसका आनंद आप उठा नहीं पाएंगे इसलिए जो प्रक्रिया है वहां तक पहुंचने की उसकी तरफ ध्यान दीजिए लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा उदाहरण के लिए अगर आपको फूल उगाने हो तो फूलों के बारे में कल्पना मत करते रहिए कि बहुत रंग बिरंगे फूल उगेंगे उसको छोड़ दीजिए आप जो है मिट्टी के साथ अपने हाथ मैले कीजिए उसमें खाद डालिए उसमें खुदाई कीजिए आपके हाथ मेले होंगे लेकिन परिणाम होगा खूबसूरत फूल उसकी चिंता आप मत कीजिए इस तरह की जो बातें हैं जो मन को बहुत भाती हैं कानों को बहुत अच्छी लगती हैं ये सब सुना सुना कर वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करते रहते हैं लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने कभी किसी को सच्चाई के साथ ये बताया हो कि भाई तुम कभी भी मर सकते हो तो फिर जितने भी लक्ष्य तुमने साधे हुए हैं उनका क्या होगा ये शु आया उसने बताया सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी पर नश्वर है यहां से बात तुम कहां जाते हो यह समझना जरूरी है तभी तुम्हारा जो उद्देश्य है इस जीवन का वो सही दिशा में होगा तो ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स और गुरु सिखाते हैं यीशु बिल्कुल उनसे विपरीत बात सिखाता है जब भी हम किसी को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने आपको किसी उद्देश्य के लिए बनाया है तो जट से लोग सोचते हैं कि यह सब बकवास है क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता सब कही सुनी बातें हैं हमें तो कुछ ठोस चाहिए अपने जीवन के लिए एक ठोस उद्देश्य और मैं हमेशा ये सोचता हूँ क्या तुम्हारा वो ठोस उद्देश्य तुम्हें इस बात की गारंटी देता है कि तुम हमेशा जीवित रहोगे नहीं क्या तुम्हें वो बताता है कि तुम कब मरने वाले हो? हो सकता है कि कल मर जाओ नहीं बताता तो फिर उसमें क्या सच्चाई है क्यों ना हम यीशु की बात को समझने की कोशिश करें जो कहता है कि जब तक तुम अनंत काल में प्रवेश नहीं करते तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है मतलब जब तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है तो तुम मृत हो और एक मृत आदमी के जितने भी उद्देश्य होते हैं वो भी मृत्यु होते हैं परमेश्वर की नजर में लेकिन आजकल के जो गुरु हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं विश्व भर में वो आपको ऐसा नहीं कहेंगे वो कहेंगे कि नहीं सब कुछ यहीं पर है ठीक वैसे जैसे शैतान ने कहा था आदम और हवा को सब कुछ तो यही है वो फल खाओ बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करो और परमेश्वर जैसे बन जाओ कहीं ना कहीं घूम फिर के आज के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जितने भी गुरुज हैं वो यही बात लोगों को समझाते हैं और कहते हैं जो वो सिखाते हैं उसमें वो यही बताएंगे आपको कि तुम्हें बिल्कुल निस्वार्थ मन से उद्देश्य को साधना है लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप ध्यान से उनकी बातें सुनेंगे तो वो जो जिस निस्वार्थता की बात कर रहे हैं अनसेल्फिशनेस की वो एक दिखावा है क्योंकि वो सिर्फ एक अनसेल्फिशनेस का ऊपर का एक मास्क है वो उसके अंदर जो है वो सारा स्वार्थ भरा होता है जो ज्ञान वो दे रहे होते हैं लोगों को क्योंकि लोगों को वही चाहिए कहने को कोई कहेगा कि मैं संसार का भला करना चाहता हूँ गरीबों का भला करना चाहता हूँ इस दुनिया से भुखमरी हटाना चाहता हूँ मैं समाज को सुधारना चाहता हूँ हर बच्चे को शिक्षित करना चाहता हूं ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे वो लेकिन सच तो यह है कि सबसे पहले वो अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं कि मैं कितना धन कितना नाम कमा सकता हूं तो सच क्या है मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म लेना और पृथ्वी पर से उठ जाना अर्थात मृत्यु जब ये दोनों ही मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है तो फिर इसके बीच की जो भी प्रक्रिया जो कुछ होता है मनुष्य के जीवन में वो मनुष्य के नियंत्रण में कैसे हो सकता है इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि जब मृत्यु कभी भी आ सकती है तो क्यों ना मृत्यु को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढें, जैसे यीशु ने सिखाया क्योंकि तभी हमें जीवन का सही उद्देश्य समझ आएगा मुझे बड़े दुख के साथ आपको एक खबर देनी पड़ रही है कि आपने देखा होगा कि हम जब से हमने वेबसाइट बनाया है अपना हिंदी बाइबल स्टडी डॉट कॉम हम निरंतर इसमें इंप्रूवमेंट करते रहते हैं बदलाव करते रहते हैं ताकि यूज़ करने वाले को ज़्यादा सुविधा हो तो हमारी जो वेबसाइट डेवलपमेंट की जो टीम है जो उसके पीछे काम कर रही है उनकी टीम में जो एक मुख्य मेंबर जो हमारे वेबसाइट में सबसे ज़्यादा काम करता था चार दिन पहले उसका कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्योंकि वह बहुत टैलेंटेड लड़का था सिर्फ तेईस चौबीस साल का दो महीने पहले उसकी शादी हुई थी और अक्सर मैं फ़ोन पे बात करता रहता था वेबसाइट को लेकर और वो तरह तरह के अच्छे अच्छे सुझाव भी देता था तो इस तरह सब कुछ चल रहा था अचानक मुझे जब ये खबर मिली तो बहुत बड़ा सदमा सा लगा मुझे ये कैसे हो सकता है अभी तो मैंने चार पांच दिन पहले उससे बात करी थी और करीब तीन चार घंटे बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे वेबसाइट के बारे में लेकिन सच्चाई ये है कि वो लड़का जो इतना टैलेंटेड था शायद अपने जीवन में बहुत ऊपर जाता लेकिन अचानक मृत्यु ने रास्ता रोक दिया सब कुछ खत्म हो गया ऐसे कैसे हो जाता है यही सच्चाई यीशु हर मनुष्य को आज भी समझा रहा है कोरोना के इस दौर में जहां हजारों लोग मर रहे हैं जो कुछ आप दूसरे गुरुओं से सुनते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं मैं आपको बताता हूं वो आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। मैं उन गुरुओं से ये पूछना चाहता हूं कि आप बहुत फेमस हैं देश विदेश की यात्रा करते हैं बहुत से लोग प्रेस मीडिया आपके फोटो खींचते हैं आपको अपने यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में बुलाते हैं आप लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं या तो आप जानबूझ के अपने स्वार्थ के लिए उनको मूर्ख बना रहे हैं ताकि आप ऐसे ही प्रसिद्ध बनकर रहें या फिर आपको खुद ज्ञान नहीं आप अज्ञानी हैं और जो आपका छोटा सा ज्ञान है जो सीमित बुद्धि वाला मनुष्य का ज्ञान उसका प्रचार करके आप वाहवाही हासिल करना चाहते हैं आप उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताते कि जैसे वो लड़का मारा गया एक्सीडेंट में ऐसे तुम भी मर सकते हो इसलिए भगवान परमेश्वर जिसको भी आप समझते हैं कि जिसने आपको बनाया है उसको जानो ऐसा क्यों नहीं कहते आप आप नहीं कहते क्योंकि आप चाहते हैं कि उनका ध्यान आपकी तरफ रहे अगर आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि एक दिन आपकी मृत्यु हो सकती है इसलिए परमेश्वर को जानो और सही उद्देश्य को समझो तो आप प्रसिद्ध नहीं रहेंगे फिर कोई आपके पास नहीं आएगा लोग कहेंगे कि भाई ये तो परमेश्वर के पास भेज देता है इसके अपने पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है कोई नहीं आएगा आपके पास इसी वजह से आप लोगों को बिठाकर मूर्ख बनाते रहते हैं मैं जानता हूं जो भी ये संदेश देख रहा है या सुन रहा है वो मेरे बात से जरूरी नहीं कि सहमत हो मैं उस दौर से गुजरा हुआ बहुत सारे मोटिवेशनल गुरुओं को मैंने सुना है आज भी सुनता हूं और हमेशा देखता हूं कि इन्होंने सच्चाई को छुपा रखा है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है दोस्त बहुत से युवा कोरोना में मारे गए जो शायद इन मोटिवेशनल स्पीकर्स और गुरुओं से प्रभावित होकर उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे अपने जीवन के उद्देश्य को पकड़ने के लिए लेकिन आज कहीं नहीं है जबकि यीशु की बात 100 प्रतिशत सत्य है कि अनंत काल के जीवन से जुड़ो तब सही उद्देश्य समझ आएगा आज सभी गुरु राजनीतिक नेता मोटिवेशनल स्पीकर सब सांसारिक सफलता की बात कर रहे हैं और इस जीवन को कैसे बेहतर बनाना है समाज में नाम इज्जत शोहरत पैसा इत्यादि कैसे कमाना है सफल कैसे होना है ये सब सिखाते हैं लेकिन कोई भी ये नहीं बताना चाहता कि पृथ्वी पर मनुष्य की मृत्यु कभी भी हो सकती है इसलिए केवल पृथ्वी भर के जीवन को ध्यान में रखते हुए जीना समझदारी नहीं है ऐसा कोई नहीं कहता आज कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा है जो भी ये दावा कर रहे थे पहले कि हमने तो कोरोना पर विजय पा ली है आज कोरोना के इस नए विकराल रूप के सामने सबकी हिम्मत टूटती हुई दिखाई दे रही है चारों तरफ लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं लोग यहां वहां मर रहे हैं सवाल यह है कि क्या कोई ये समझना चाहता है कि भले ही हम यहां अपने जीवन के लिए कितने भी बड़े लक्ष्य क्यों खड़े कर लें, लेकिन हमारा जीवन नश्वर है और हमारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है कोई भी कभी भी मर सकता है तो फिर इस जीवन की उपलब्धियों और सफलताओं के पीछे भागने से क्या लाभ जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण भी नहीं है आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठाकर देख लीजिए आपको किसी में भी स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपका यहां का जीवन ही सब कुछ नहीं है बल्कि यहां के बाद जो अनंत काल का जीवन है वो सब कुछ है सिर्फ येशु ने बाइबल में ये बातें स्पष्ट की हैं सिर्फ यीशु ने इस बड़ी सच्चाई का इस पर प्रकाश डाला ताकि लोग अपने जीवन की दिशा बदलें और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर मुड़ें यीशु ने कहा योना तीन अठारह में जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती कौन सा दंड जितने भी पाप मनुष्य ने अपने जीवन में किए उसका एक दिन दंड दिया जाएगा यह निश्चित है जो बाइबल सिखाती है परंतु जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका पहले से इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया यीशु के लेकर आपके जहन में कई सवाल हो सकते हैं बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं यीशु के बारे में लेकिन येशु के जो कथन है वो जीवन है उसने कहा मेरे वचन सिर्फ शब्द नहीं है वो जीवन है वो सच्चाई है जो भी निष्पक्ष मन से यीशु की बातें सुनेगा उसके वचन सुनेगा उनको ये बातें समझ आने लगेंगी आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरफ भाग रही है वो खुशी ढूंढ रही है इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस खुशी कहाँ से मिल सकती है हमें किस तरह मिल सकती है हमें बहुत आज़ादी चाहिए हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए हमें सब कुछ चाहिए सेक्स चाहिए हमारे को शादी से पहले भी शादी के बाद भी या फिर समलैंगिक विवाह हम करना चाहते हैं अपने तरीके से वो खुशी ढूंढ रहे हैं कभी नशे में कभी ड्रग्स में कभी अश्लील वीडियोस पोर्नोग्राफी मूवीज कहीं पर भी खुशियां चाहिए कहीं चार पांच दोस्त लोग मिलकर बैठ गए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को खुश करने की समस्या तब आती है जब वो देखते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं है सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है वो एक तरफ चलते हैं यहाँ रुकावट आती है वहाँ रुकावट आती है वो देखते हैं कि संसार का जो पूरा सिस्टम है वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है जैसा वो चाहते हैं इसकी वजह से वो निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको सच्चाई नहीं मालूम है हमारे जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं वो उनको भरमाते रहते हैं ये कह के कि नहीं तुम करोगे तुम जियोगे तुम ऐसा करोगे तुम में ये है तुम में वो है सच्चाई कोई नहीं बताता उनको कि तुम्हारे अंदर पाप है तुम परमेश्वर से अलग हो बुद्धि सिर्फ परमेश्वर से आती है क्योंकि वही सृष्टि करता है उसी ने तुम्हें पैदा किया है एक दिन तुम मर जाओगे इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए उस परमेश्वर से जुड़ो अनंत काल से जुड़ो ये कोई नहीं बताता उनको वो देखते हैं कि उनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं जो अभिलाषाएं हैं जिसको पूरी करने के लिए वो निकल पड़े हैं उसके बीच में कई रुकावटें आ रही हैं कभी तो अपना परिवार ही उसको मना करता है कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो गलत है कभी समाज कम्युनिटी कभी देश के नियम उनके आड़े आ रहे होते हैं तो इन सब की वजह से वो परेशान हो जाते हैं उनके अंदर क्रोध है एक तरीके का एक जलन है अंदर कि नहीं हमें तो निकलना है हमें तो आज़ाद होना है सच्चाई बताने वाला कोई नहीं है उनको उसका फायदा उठाकर ये जितने भी गुरु घूमते रहते हैं और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो भीड़ इकट्ठी कर, कर लेते हैं बड़े बड़े स्टेडियम्स में और अपनी लच्छेदार बातों से उनके कानों को उनके मन को उलझा कर रखते हैं ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बहुत हंसाएंगे इमोशनल करेंगे लेकिन सच्चाई नहीं बताएंगे मैं नहीं जानता कि आज तक ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोला हो जिसने जिसके बाद वाकई में किसी के जीवन में कोई फर्क नजर आया हो हमारी कंपनी जिसमें मैं पहले काम करता था जब वहाँ मोटिवेशन स्पीकर आते थे तो वो एक बार ही किसी ने समझाया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है अरे भैया आप क्या सिखा रहे हैं तो पूरी बाइबल में लिखा हुआ है उसने उसने इस तरीके से प्रभावशाली तरीके से उसको प्रस्तुत किया पूरी प्रेजेंटेशन को कि लोगों को लगा कि हाँ हम यह सही कह रहे हैं हमें ईमानदार होना चाहिए लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस मीटिंग से निकलने के बाद सीधा जब वो अपने कॉल्स पे जाते हैं फिर से बेमानी करने लगते हैं उसी क्षण झूठ बोलने लगते हैं बहाने बनाने लगते हैं फोन पर यह तो असर होता है अंदर से खोखले हैं शब्दों से क्या होगा अंदर से बदला किसी का मन ये सच्चाई सिर्फ यशु बताता है तो वो जाते हैं ऐसे गुरुओं के पास ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स के पास पास उनको उन लोगों को इनवाइट किया जाता है कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में कि आप आइए ज्ञान बांटिए अरे कौन सा ज्ञान मनुष्य का ज्ञान वो स्वयं मनुष्य है स्वयं उसके अंदर हजारों पाप हैं जो बाइबल सिखाती है स्पष्ट रूप से एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं सिखा, दिखा सकता ये येशु ने समझाया हर मनुष्य के अंदर पाप है आप तो सिर्फ उसको बाहर से जानते हैं बाहर से जो सबके सामने ऐसे कर रहा हुआ वो अंदर से क्या आप उसको जानते हैं उसका मन कैसा है नहीं जानते हैं मनुष्य की बातों में उलझ कर आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे जो भी वो बातें सिखाते हैं वो मटेरियलिज्म की होती है यानी भौतिकवाद शारीरिक और सांसारिक जीवन सामाजिक उपलब्धियां इसके बारे में बताते रहेंगे वो कोई भी ये नहीं बताता उनको कि तुम्हारा एक प्राण है सोल जिसकी कुछ जरूरतें हैं तुम्हारे को एक कॉन्शियंस दिया है परमेश्वर ने एक अंतरात्मा है तुम्हारा जो प्राण है उसमें एक भूख है उसको शांति नहीं मिल रही है वो कोई नहीं समझाता शायद उन्हें खुद भी नहीं पता वो नहीं समझाता कि उसके अंदर एक खालीपन है आप कितना ही पैसा कमा लो कितने बड़े फिल्म स्टार बन जाओ कितने बड़े स्पोर्ट्स स्टार बन जाओ लेकिन आपका मन खाली रहेगा क्योंकि उस मन में जब तक सच्चा परमेश्वर नहीं आएगा वो भरेगा नहीं क्योंकि सच्चा परमेश्वर जिसने आपको बनाया वही जानता है कि उसे कैसे भरना है कैसे तृप्त करना है कैसे आपको आनंदित करना है ये सिर्फ उसी को पता है वो जो गुरु हैं वो नैतिकता के बारे में कभी नहीं बताएंगे ऐसी भीड़ में कि भाई आपके साथ जो लड़की बैठी है अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है और आपकी शादी नहीं हुई है तो वो गलत है वो व्यभिचार है इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है अबॉर्शन हो सकता है ऐसी सच्चाइयों उनको भी नहीं बताएंगे क्यों क्योंकि अगर ऐसे बताएंगे तो उन्हें बुलाएगा कौन तालियाँ कौन बजाएगा उनकी बातों पर तो लच्छेदार बातें घुमा फिरा के शब्दों का हेर फेर जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती सिर्फ यीशु की सीधी सच्ची बातों में सच्चाई होती है जो आपको निकालना चाहता है आपके जीवन की परेशानियों से उन मुसीबतों से जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे आपके पास जवाब नहीं है आपके सवालों के आपको ठीक से दिख भी नहीं रहा है कि आपको जीवन में करना क्या है यीशु आपको रास्ता दिखा सकता है भले ही आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो तो वो ये सब बातें नहीं बताएंगे खासकर वो परमेश्वर के बारे में कभी बताएंगे नहीं आपको क्योंकि उनको सिर्फ ये समझाना होता है कि भाई सब कुछ तो आपको करना है परमेश्वर क्या करेगा वो तो दिखाई भी नहीं देता वो उसको तो एक अंधविश्वास की तरह एक तरफ रख दिया है कि सुबह जाके हाथ जोड़ लिया बस समझते नहीं है लोग कि वो परमेश्वर जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन को चलाएगा सही दिशा में आपके समस्याओं के लिए सही समाधान निकालेगा ये नहीं बताते वो क्योंकि उन्हें खुद को भी पता नहीं है उनके इतने सारे मोटिवेशनल स्पीचेस के बावजूद भी आज यूथ क्या कर रहा है या तो उल्टे सीधे वीडियो गेम खेल के अपना टाइम पास कर रहा है बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं गुरुओं के पास उनके समाधान नहीं है वो सिर्फ वही संदेश देंगे उनको जो उनको सुनने में अच्छे लगते हैं बाहर निकलकर लगेगा बहुत एंटरटेनमेंट हुआ यीशु की बातों में एंटरटेनमेंट नहीं होता क्योंकि यीशु बिल्कुल सीधी सच्ची बात कहता है और सीधी सच्ची बात जो होती है आपका जीवन तो बदल सकती है लेकिन हो सकता है कि आपको एंटरटेन ना करे लेकिन आपके जीवन में तो आनंद आएगा तो ये जितने भी ये गुरु होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं कई बार मैंने देखा है कि ये अपनी बातों के विपरीत ही बोल रहे होते हैं मतलब पिछली बार उन्होंने कुछ और बोला होता है इस बार कुछ और बोल रहे होते हैं लेकिन दोनों मैच नहीं करते बहुत सा डेटा जो बताते हैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो कभी विज्ञान को लेकर कभी गणित को लेकर कभी पॉलिटिक्स को लेकर उसमें बहुत कुछ गलत होता है लेकिन कोई भी इन बातों की परवाह नहीं करता सदियों से ऐसे गुरु एक के बाद एक आते जा रहे हैं एक आता है लोग उसके पीछे भागते हैं फिर वो मर जाता है फिर उसकी बहुत सी असलियत सामने आती है फिर ये लोग सब कहीं चले जाते हैं फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता है एक गुरु जिसने बताया यीशु के बारे में कि यीशु जो क्रॉस पर मारा गया उस पर कीले ठेक गई कोई तो बड़ी बात नहीं है उसके लिए हम कोई इज्जत नहीं करते यीशु की हम सिर्फ यीशु की इज्जत इसलिए करते हैं कि जब वो क्रॉस पर लटका था तो उसने कहा था हे hey, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं तो वो कहता है कि उस क्वालिटी के लिए हम यीशु के सामने नमन करते हैं कि क्रॉस पर भी वो ऐसे कह रहा था मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस गुरु ने बाइबल नहीं पढ़ी है क्योंकि बाइबल में यीशु के आने से सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणियां लिख दी गई थी कोई जुबान ही नहीं बताई गई थी जिसको बदला जा सके लिख दी गई थी जिसमें बताया गया था कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर आएगा और मनुष्य के सभी पापों के लिए वो दंडित किया जाएगा क्रॉस तो सिर्फ एक बहाना था क्रॉस पर मरना लेकिन वो दंड था सारे मानव जाति का ये बातें लिखी हुई थी उन गुरुओं के बारे में किसी ने कोई भविष्यवाणी कभी नहीं करी ना कभी कहीं लिखी हुई है यीशु के बारे में करी है कि वो परमेश्वर है सैकड़ों साल पहले एक ने नहीं तीन से ज्यादा भविष्यवाणियाँ जैसे यशाया त्रेपन पांच परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए मतलब हमारे हमारा उद्धार हो जाए हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे पर हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ हमारे पाप का बोझ उसी पर लाद दिया ये भविष्यवाणी यशाया ने सात सौ साल पहले लिखी थी मैं पूछना चाहता हूं किसी भी गुरु से जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं क्या उनके बारे में कोई भविष्यवाणी किसी किताब में लिखी हुई है जिसको लोग मानते हैं नहीं तो फिर वो यीशु से बड़े कैसे होगा जो यीशु के ऊपर ऐसा कमेंट देते हैं और लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि लोग अज्ञा नहीं जो सच्चाई को जानना चाहता है वो संदेश को ध्यान से सुने मत्ती छब्बीस सत्ताईस में यशु ने स्वयं कहा था अपने मृत्यु से बहुत दिन पहले यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है जब आपने बाइबल पढ़ी नहीं है तो आप यीशु के ऊपर गलत कमेंट कैसे कर सकते हैं अपनी अज्ञानता में इससे तो यही साबित करते हैं कि आप दुनिया की नज़र में बहुत फेमस होंगे लेकिन एक अज्ञानी हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये संसार में जो आत्मिकता स्पिरिचुअलिटी की जो डेफिनेशन है वो भी उन्होंने बदल कर रख दी है उनके हिसाब से आप योग कीजिए साधना कीजिए मेडिटेट कीजिए अपने आप को सांसारिक मुसीबतों से अलग रखिए संसार आपको जो भी उछाल के आप, आपके ऊपर फेंके उसकी परवाह मत कीजिए उसमें से सबसे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए ऐसी कई परिभाषाएं निकाल दी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की जबकि स्पिरिचुअलिटी या आत्मिक जीवन का जो सबसे सरल परिभाषा सिर्फ बाइबल में है क्या है वो मालूम है एक सृष्टि करता है जिसने आपको बनाया है पहला काम आपका यह है कि आप उस सृष्टि करता को ढूंढे कि वो कौन है मिल जाएगा आपको वो सच्चा परमेश्वर सृष्टि करता कौन है नंबर वन दूसरा आपको जब वो मिल जाए विश्वास हो जाए तो उससे पूरा प्रेम कीजिए उससे पूरी तरीके से दूसरा और तीसरा उसके बताई हुई आज्ञाओं पर चलिए सिर्फ इतना ही है स्पिरिचुअलिटी सच्चे परमेश्वर को ढूंढना उससे प्रेम करना और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना यह है सच्ची आत्मिकता ट्रू स्पिरिचुअलिटी बाकी कुछ नहीं है कोई जरूरत नहीं है आपको बैठ के ऐसे मेडिटेट करने की जब आप परमेश्वर के नियमों पर उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति है आप संसार के झूठ भाग दौड़ लालच स्वार्थ इन सबसे अपने आप बच जाएंगे आप ये सच्चाई ये गुरु नहीं बताएंगे ये मोटिवेशन स्पीकर नहीं बताएंगे आपको लोग सोचते हैं कि गुरुओं के पास बहुत बुद्धि है वो भूल जाते हैं कि गुरु को बनाने वाला जो परमेश्वर है उनके पास उस परमेश्वर के पास ज्यादा बुद्धि है इसलिए बजाय मनुष्य की बात सुनने के परमेश्वर की बात जो उसने लिखी है उसको जाँचो उसको पढ़ के देखो ये नहीं कि उसको उठा के एक तरफ रख दिया और ऐसे गुरुओं से आप सीख रहे हैं जो आपको एंटरटेन कर रहे हैं आपको बहुत हंसी भी आ रही है बीच में आप भावनात्मक भी, भी हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत ज्ञान की बातें बताई जा रही है उससे किसी का जीवन नहीं बदलेगा और ना उनको कभी मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन मिलेगा जो भूल जाते हैं कि वो जो बता रहा है वो भी आप ही तरफ आप है फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसके पाप देख नहीं सकते इसीलिए समझदारी इसी में है कि परमेश्वर उसकी बुद्धि से चलना सीखिए सब लोग इस संसार में आज समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं इसका मतलब हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं तो उसका सबसे आसान तरीका क्या होता है परमेश्वर के पास जाना परमेश्वर से पूछना कि मेरी समस्याओं का समाधान क्या है और अपना जीवन परमेश्वर को देना लोग देना नहीं चाहते अपना जीवन परमेश्वर को गुरु उनको ये नहीं कहते कि तुम्हें जिसने बनाया है उसने कुछ नियम भी बनाए हैं तुम्हारे जीवन के लिए उसके सामने झुको उनको मानो ऐसा नहीं सिखाते वो क्योंकि वो सिखाते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर स्वयं भगवान है तुम्हारे अंदर सब कुछ है तुम सब कुछ कर सकते हो तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है बाकी सब अंधविश्वास है अरे भाई आप उसको अंधविश्वास मानते हैं लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हैं आप विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसमें सच्चाई नहीं है क्या आपने कुछ पढ़कर देखा है या आप ऐसी बोले जा रहे हैं तो इस तरीके से इन लोगों की बातों में कृपया मत आइए जो सच्चाई है वो परमेश्वर के पास है जो मनुष्य बन के आया आज से दो साल पहले इसीलिए जो किताब परमेश्वर ने दी उसमें सारे सवालों के जवाब हैं आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो लेकिन ये उनके लिए है संदेश जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं पूरे मन से उनको मिल जाएगा मुझे भी ऐसे ही मिला था आज से सोलह साल पहले लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम बताते हैं कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के समस्याओं के समाधान है लोग अपने गान बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर तो काल्पनिक है किसी की मुलाकात तो हुई नहीं है परमेश्वर से लेकिन आप एक बार सोचिए जब भी आपका टी या कार या स्कूटर खराब होता है तो उसकी सबसे ज़्यादा नॉलेज की यह ठीक कैसे होगा वो उसके मैन्यूफैक्चरर यानी उसके निर्माता के पास होती है इसीलिए आप उसके सर्विस स्टेशन में ले जाते हैं कि भाई तुमने ये गाड़ी बनाई है इसको ठीक करो ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं तो हमें किसके पास जाना चाहिए एक ऐसे मनुष्य के पास नहीं जिसके खुद के जीवन में समस्याएं हो हमें उसके पास जाना चाहिए जो हमारा निर्माता है हमारा परमेश्वर है सच्चा उससे पूछूंगा मैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में समस्या है इसको ठीक कर क्या करना है मुझे वो समझदारी है लोग सोचते हैं कि इन गुरुओं के पास संसार की सारी समस्याओं के समाधान है अरे भाई सैकड़ों गुरु आकर चले गए संसार की कौन सी समस्याओं का समाधान निकल गया आज भी संसार में अशांति है धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं देश विदेश एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं कौन सी शांति कायम कर लिया आप लोगों ने हर कोई यहाँ पर आज न्याय की बात कर रहा है हमें जस्टिस चाहिए हमें न्याय चाहिए हर चीज़ के लिए किसी को किसी कारण से न्याय चाहिए किसी को किसी कारण से न्याय चाहिए लेकिन कोई भी मनुष्य कोई भी गुरु ने यह नहीं बताता कि भाई तुम तुम्हारे अंदर भी स्वार्थ है तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं तुम कहते हो भ्रष्टाचार लेकिन तुम खुद जरूरत पड़ने पर रिश्वत देते हो तुम कहते हो भ्रष्टाचार लेकिन तुम अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हो तुम्हारे अंदर भी पाप है तुम्हारे अंदर भ्रष्टाचार है इसलिए तुम्हारा रिश्ता नहीं बन पा रहा परमेश्वर से वो पवित्र है तो तुम्हारा न्याय तभी होगा जब तुम अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर लो परमेश्वर से जुड़ जाओ तब न्याय मिलेगा तुम्हें लेकिन तुम वो नहीं करना चाहते लेकिन अपने लिए न्याय ढूंढ रहे हो उसको स्वार्थ कहते हैं सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहे हो कोई भी परमेश्वर से जुड़कर न्याय हासिल नहीं करना चाहता क्योंकि जब आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे तो परमेश्वर आपका जीवन बदलने लगेगा हो सकता है कि आप अपना जीवन बदलना ना चाहते हो सिर्फ परमेश्वर के पास किताब होती है जैसे एक टीवी बनाने वाले के पास उसका मैनुअल होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि टीवी कैसे चलाना है या कार बनाने वाले के पास मैनुअल में लिखा होता है कि कार कैसे चलानी है ऐसे ही परमेश्वर के पास ये मैनुअल है कि मनुष्य को कैसे चलना है सिर्फ परमेश्वर के पास इनके समाधान है समाधान क्या है इस संसार का एक ही समाधान है पूरे संसार को आप इकट्ठे सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते हैं एक मनुष्य को सुधारेंगे आप मतलब कि हर मनुष्य जो है वो अपने अंदर झांक के पहले कि मेरे का क्या है मेरे में पाप है उसमें परमेश्वर नहीं है जब वो अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर को स्वीकार कर लेगा तो वो सुधर जाएगा ऐसे जब हर मनुष्य सुधर जाएगा तो अपने आप इस दुनिया से स्वार्थ लालच बेईमानी भ्रष्टाचार बलात्कार हत्या ये सब अपने आप निकल जाएगी तो संसार सुधरेगा लेकिन यह सच्चाई कोई गुरु नहीं बताएगा आपको यह सिर्फ परमेश्वर बताता है सिर्फ परमेश्वर बताता है कि भाई आप जो मर्जी हेरा फेरी कर लो कितने भी लालच कर लो कितना भी यहां से वहां से वहां पकड़ लो पैसा जैसे मर गया सब खत्म हो गया सिर्फ बाइबल सिखाती है ये ऐसे मत जियो अनंत काल के दृष्टिकोण से जियो कि एक दिन मर के आपको जहां पहुंचना है कभी भी हो सकता है जैसे मैंने बताया कि हमारे उस भाई के बारे में जिसका कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया उसको ध्यान में रखते हुए जब आप जियोगे तो आप सही दिशा में अपना उद्देश्य पा सकोगे क्या है वो सही दिशा हर मनुष्य पापी है इस जीवन इस संसार में और परमेश्वर कहता है जब तक तुम्हारे अंदर पाप है मैं तुमसे संगति नहीं कर सकता तुम्हें बुद्धि नहीं दे सकता सही मार्ग दिखा नहीं सकता मैं तुम्हें बहुत जरूरी है कि तुम अपने पापों से मन फिराओ क्षमा मांगो और मैं जो पृथ्वी पर आया था आज से दो साल पहले मैंने तुम्हारे पापों के लिए दंड भुगत लिया है उस उस बात पर विश्वास करो और अपने अपने सारे पाप डाल दो यीशु मसीह पर वो तुम्हारे लिए दंड भुगत चुका है और अपना जीवन यीशु को दे दो और उसके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हो जाओ अपने आप जीवन के उद्देश्य आपको समझ आने लगेंगे आप ये पिक्चर देखिए ये चित्र इसमें दो लकीरें हैं मतलब मनुष्य जो पृथ्वी पर आता है तो उसके अंदर पहले से आदम से वंशानुगत मिला पाप होता है तो एक मनुष्य तो वो है जिसको सुसमाचार समझ आ जाता है और वो क्रॉस की तरफ चला जाता है यीशु के बलिदान को स्वीकार कर लेता है उसके बाद उसे अनंत काल का जीवन मिल जाता है लेकिन दूसरा वो संसार के गुरुओं और दूसरे स्पीकर और राजनीतिज्ञ इन सब की बातों में उलझा रहता है और कभी अपने पापों के बारे में नहीं सोचता दूसरे सांसारिक समाधान ढूंढता रहता है क्रॉस की तरफ कभी नहीं जाता और अंत में अनंत काल की मृत्यु में चला जाता है जब यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में चला गया तो यीशु सिर्फ शरीर के मरने और प्राण के स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा बल्कि वो जीवन के कई क्षेत्रों में मृत्यु से जीवन में जाने की बात कर रहा है कैसे सबसे पहली बात जब मनुष्य पैदा होता है तो पाप की वजह से उसकी जो आत्मा होती है स्पिरिट मनुष्य की वो मृत होती है लेकिन जो सुसमाचार पर विश्वास करता है अपने कॉन्शियंस से उसके अंदर कॉन्शियंस भी होता है अंतरात्मा जिसको कुछ लोग बोलते हैं जब से कॉन्शियस बताते हैं कि हाँ मैंने जीवन में कई पाप किए हैं मैं यीशु मसीह को स्वीकार करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ तो उसका जो स्पिरिट होता है वो जीवित हो जाता है जब वो जीवित हो जाता है तो वो मृत्यु से जीवन में चला जाता है और उसके बाद उसकी आत्मा उसको परमेश्वर की बातें समझ आने लगती है और उसके जीवन में बदलाव आते हैं उसे बाइबल के वचन समझ आने लगते हैं तो इस तरह उसकी आत्मा मृत्यु से जीवन की तरफ चली जाती है फिर उसके जो विचार होते हैं जब तक वो अविश्वासी था उसके जो विचार थे वो मृत थे मरे हुए थे क्योंकि जो कुछ वो सोचता था वो सांसारिक था उसमें जीवन नहीं था लेकिन जैसे उसने अपने पापों से मन फिराकर यशु को स्वीकार किया उसके विचार जीवित होने लगे क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो परमेश्वर की बातें समझने लगी और उसका जीवन का दृष्टिकोण बदल गया अब वो हर चीज को एक नई दृष्टि से देखता है पहले वो व्यविचार को पाप नहीं समझता था नशा करना पाप नहीं समझता था जुआ खेलना पाप नहीं समझता था मारपीट करना पाप नहीं समझता कुछ साधारण समझता था वो लेकिन आप उसको समझ आ रहा है कि नहीं इसमें क्या क्या गल, गलत है क्या क्या गड़बड़ है तो इस तरीके से उसकी विचार जो थे पहले मरे हुए थे जो स्वार्थ पर आधारित थे अब वो जीवित हो गए परमेश्वर के वचन पर आधारित होना सीख गए जिससे न केवल उसके जीवन में बल्कि उसके आसपास के जो लोग हैं उनके जीवन में भी उसके फल दिखाई देंगे तो विचार तीसरा डेड वर्क यानी मृत काम जितने भी काम हम पहले करते थे सोच के मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं बाइबल सिखाती जब तक आप अविश्वासी थे और आप अनेक प्रकार के ऐसे काम करते थे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या लोगों को प्रसन्न करने के लिए उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पर जो उद्देश्य होते थे उसमें स्वार्थ होता था शायद आपको पता ना हो लेकिन परमेश्वर उन उस प्रकार के कामों से प्रसन्न नहीं होता जो एक अविश्वासी हृदय से किए जाते हैं अविश्वासी मतलब जिसने अभी यशु मुसी को स्वीकार नहीं किया सच्चे परमेश्वर को तो परमेश्वर जानता है हो सकता है कि वह बहुत से धार्मिक रीति रिवाज पूरे करता हो लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता क्योंकि परमेश्वर कहता है ये जितने भी काम तुम कर रहे हो मरे हुए काम ये ये एक सच्चे विश्वास की जगह नहीं ले सकते सच्चा विश्वास तो सच्चे परमेश्वर पर होता है जब आप उससे रिश्ता बनाते हैं अपने पापों से क्षमा मांग कर वो तो आपने किया नहीं अपना जीवन तो परमेश्वर को दिया नहीं फिर आप कह रहे हो कि मैं धर्म के सारे रीति रिवाज पूरे कर रहा हूँ मैं पुण्य के काम कर रहा हूँ मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ गरीबों की मदद करता हूँ परमेश्वर कहता है इन सब के पीछे जो तुम्हारे उद्देश्य हैं वो साफ़ नहीं है कहीं ना कहीं उसमें मिलावट है स्वार्थ की इसीलिए वो कभी प्रसन्न नहीं होता जब हम अविश्वासी थे तो बहुत सारी ऐसी बातें करते थे जे भद्दे मजाक बे सिर प्यार की इधर उधर की बातें करके घंटों समय गुजारते थे टीवी की बातें फिल्में की बातें उनमें कोई जीवन नहीं होता वो सब मृत थी जब यीशु में आते हैं तो हम जीवन में आते हैं हमारे बातों में उन्नति होती है लोगों के आत्मिक उन्नति होती है हमारी बातों से प्रोत्साहन मिलता है लोगों को हम बेकार की बातें करना छोड़ देते हैं उसके अलावा करियर आज अगर हम बात करें युवाओं से हर कोई बहुत अच्छा करियर बनाना चाहता है वहाँ पर ये गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर आके बोलेंगे हाँ ये ये तरीके हैं कि आप जीवन में बहुत सफल हो उस गुरु ने जिसने यशु के बारे में ये कॉमेंट किया उसने कहा येशु क्रॉस पर मारा गया वो कोई सफल थोड़ी था क्या उस गुरु को ये मालूम है कि वो क्यों मारा गया था क्या उस गुरु को यह मालूम है कि तीसरे दिन यीशु जी उठा कब्र से जिसको इतिहास मानता है जिसके पूरे सबूत हैं विश्व भर के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसका रिसर्च किया है आप अपने आपको स्वयं को बुद्धिमान समझते होंगे लेकिन आप समझ नहीं पाए कि वो मृत्यु सिर्फ इसीलिए थी कि मानव जाति के पापों का दंड भुगत कर वो तीसरे दिन जीवित होकर उसने दिखाया उससे पहले उसने कई लोगों को मुर्दों से जीवित किया आप परमेश्वर की बात कर रहे हैं किसी मनुष्य की नहीं यशु मसीह की जब बात करते हैं तो आपको सोच समझ के पब्लिक के सामने बोलना चाहिए आप बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोलते हैं आप लेकिन पब्लिक आपके पीछे तालियां सिर्फ इसलिए बजाती है क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास उनका समाधान है लेकिन आप सिर्फ उन्हें छल रहे हैं करियर की जब बात आती है तो हर एक बड़े बड़े करियर की तरफ सोच रहा होता है लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि इससे परमेश्वर का कौन सा कार्य होगा कौन सा उद्देश्य पूरा होगा मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छा करियर नहीं ढूंढना चाहिए आप बड़े से बड़े करियर को ढूंढिए कि आपकी नौकरी कौन सी होनी चाहिए लेकिन आपको पहले परमेश्वर पता होना चाहिए जब आपको परमेश्वर पता होगा तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा कि जो कुछ भी आप बन रहे हैं वो उसकी महिमा के लिए कीजिए अपने धन अपने स्वार्थ अपने नाम बड़ा बंगला बड़ी गाड़ी के लिए नहीं वो तो सब यहीं रह जाएगा मृत्यु के बाद परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना है वो आपको तब सिखाएगा उदाहरण के लिए जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको बताएगा कि भाई इसलिए डॉक्टर मत बनिए कल को एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल के करोड़ों रुपए कमाओ आप खोलिए हॉस्पिटल लेकिन ध्यान रखिए मेरा काम होना चाहिए उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इलाज का पैसा नहीं दे सकते लालच मत रखिए अपने दिल में मैं आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा क्या आपने परमेश्वर से पूछा ये नहीं क्योंकि आपके गुरु ऐसा नहीं कहते आपके गुरु सिर्फ ये बताएंगे कि आप संसार में सफल कैसे हो सकते हैं तो इस तरह की शिक्षा से बचिए फिर बात आती है रिश्तों की जब बात करते हैं मृत्यु से जीवन की तो आपके जो रिश्ते थे पहले परमेश्वर को जानने से पहले उसमें कुछ भावनाएं थी लेकिन फिर भी वो मृत थे क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं था पति पत्नी माता-पिता भाई-बहन कोई भी हो जब आप सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं अपने सृष्टि कर्ता को तो आपके अंदर परमेश्वर वो प्रेम डालता है जो परमेश्वर का प्रेम होता है और परमेश्वर के प्रेम में कभी कोई खोट कोई स्वार्थ कोई लालच कुछ नहीं होता वो अनकंडीशनल होता है तभी तो उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया जब आपको वो प्रेम मिल जाएगा जो आपके अंदर पहले नहीं था तो जाहिर सी बात है कि वही प्रेम आपके रिश्तों में भी झलकेगा उसमें वो सच्चाई वो ईमानदारी आएगी हर चीज में इस तरह आपके रिश्ते खूबसूरत बनेंगे तो आपके जो रिश्ते थे पहले वो मृत थे वो जीवित हो जाते हैं जब आप सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जान जाते हैं और उसे अपने जीवन में न्योता देते हैं कि आके मेरे जीवन का मार्गदर्शन करो पृथ्वी पर जीवन जीते हुए मनुष्य की सांस कब बंद हो जाए पता नहीं आज के हालातों में यह बात समझना मुश्किल भी नहीं है आधुनिक गुरुओं नेताओं और मोटिवेशन स्पीकर की लच्छेदार बातों से बचो। वो आपको इधर उधर घुमा के आपका एक घंटा का समय ले लेंगे वो लेकिन अंत में आप सोचेंगे कि फिर मुझे करना क्या है कोई ठोस बात नहीं होती है उनके पास उनके पास आपके जीवन के कोई समाधान नहीं है क्योंकि उनके अपने जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं परमेश्वर के पास समाधान है परमेश्वर के पास जाइए सिर्फ और सिर्फ यीशु ये समझाता है कि इस नश्वर जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय अनंत काल के जीवन में प्रवेश करो सबसे पहले अपने अंदर झांको और अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करो उसके बाद अपना जीवन सच्चे और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को दे दो और उसके बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ तभी आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ आएगा अन्यथा नहीं Amen.